क्या क्या बनाने वाले हैं? गहत की दाल, मड्डू की रोटी, उसकी आटे का हलवा और मूली की थेच, मूली की थेचवा, थेचवा, मूली की थेचवा। इसमें जीरा डाल दिया, अब डाल दिया जम्बू, अब प्याज डाल दिया और ये लहसुन, लहसुन डाल रहे हैं, अदरक, अदरक। ये क्या डाल रहे हैं? मिर्ची, लाल मिर्च। हाँ, ज़्यादा खाते हो? कम 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 खाते हो? हाँ हाँ। हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, नमक। कितने लोग रहते होंगे इस गांव में? पहले कितना तो, परिवार होगा? पहले तो 250-300 मार था। हाँ, 300 परिवार। हाँ, 20-25-30 मार से। अच्छा जी, सब लोग बाहर चले गए? सब बाहर चले गए। यहाँ तो उत्तराखंड में पलायन ज्यादा होते हैं। क्यों, बाहर क्यों चले गए? नौकरी कर गया, काम बन कोई जानता नहीं। काम, खेती का काम तो किसी को पसंद नहीं है आजकल। जो होता है वो बंदर खा जाता है, जो कर रहा है उनका भी कुछ नहीं है, बंदर खा जा रहा है। यहाँ तो बंदर ही बंदर है, बहुत बंदर है। हाँ, जब हाँ अभी बीज बोएंगे अभी खा जाएंगे, जो खा जाए बंदर ही है। ऐसा कोई उपाय नहीं है? क्या उपाय होती है, इतना ग्रह ग्रह आता है ग्रुप ग्रुप अंदर, और काटने काटने। अब क्या बना रहे हैं? हलवा, आटे का हलवा। आटे का हलवा, सूजी को खाएगा? जिसका आप बना देंगे वो खा लेंगे। देसी घी? हाँ। अब आटा डाल दें देसी घी में। वैसे इसको पहले में सिसुन बोलते हैं। सिसुन? हाँ, ये वैसे एक दवाई का काम करता है। वेरी गुड पेन किलर। जैसे कि आपको जैसे कि कभी हनी के साथ अगर इसको आप जहाँ पे आपका कहीं चोट है, कोई स्वेलिंग्स है, तो कहीं गिर गए हैं कुछ, तो ये हनी के साथ इसको लगाने के बाद तो ये सारा सर जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है बॉडी में, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वो जो चोट होती है, वो जो ब्लड वहाँ स्टक हो गया होता है, वो ब्लड फट जाता है और वो धीरे धीरे बदमाशी करते थे तो लगाते थे। इसमें कुछ डालेंगे भी? तैयार हो गया, बस मसाला डालेंगे। इसको पकाना है ना? अच्छा, पकेगा ये? थेचुआ तो पकाना पड़ता है। अच्छा, मुझे लगा था कि सिर्फ नमक बनाए खाते हैं ऐसे। नहीं, दो तरीके से खाते हैं। इसमें नमक नमक डाल करके खाते हैं और चूल्हे में रसेदार सब्जी जैसे बनती है। ये आ गया, पहले डाल दिया जीरा, अब टमाटर, अब मूली डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, थोड़ी डाल दो। इसको भी रोटी के साथ खाते हैं? हाँ। आपको क्या पसंद है खाने में? सब पसंद है, क्या बताऊँ। हमने तो वैसे ही खाया पहले से, सब कुछ पसंद है। पुराना खाना हमको, नया खाना भी पसंद है। चाउमीन, मोमो, ऐसे।
नहीं खाता हम, वो पसंद ही नहीं है। हम खाली रोटी सब्जी दाल ऐसे ही चीज खाते हैं। रोटी किसका पसंद आता है, आटे का कि गेहूं के आटे का कि मंडुए के आटे का? पहले तो मंडुए का खाता, आज तो मंडुआ होता ही नहीं, कहाँ से खाता हूँ। पहले तो बहुत मंडुआ होता है, कितना बोरा होता है, 15-15, 10-10 बोरा। आजकल ये 2 किलो मंडुआ नहीं हो रहा है, 2 किलो मंडुआ नहीं है। क्यों? बंदर खा रहा है, खेती करने वो चाहते ही नहीं। बैल नहीं था, भैंस नहीं था, कुछ नहीं था, हल किसने जोतता? हल बहाने के लिए भी चाहिए बैल, खेती करने के लिए बैल चाहिए। आज हम बैल बह रहे हैं, हमने तो अपने टाइम में बहुत ऐसे समय कहाँ देता। हम लोग बीघा चप्पले जाते थे, चप्पल वप्पल कुछ नहीं है, नंगे पाँव जाते हैं, इतना बर्फ गिर रही थी। जनवरी दिसंबर जनवरी में इतना बर्फ गिर थी, उसमें बीघा चप्पले जाते थे हम लोग। जंगल घास के लिए, लकड़ी के लिए, रूख के लिए, ऐसे ही काम में तो पूरा दिन निकल आते। और कुछ नहीं है, ऐसे झाड़ पानी से खा, सूंग की सब्जी, मंडे की रोटी, भट के दाल, ऐसे ही खाते हैं। और क्या खाना है ऐसे ही? अब भी बना रहे हैं सिसुना जी, बिच्छू साग। हमने इसमें पानी उबाल दिया, पहले हमको दर्द होता है, हम इसी को लगाते हैं, हाथ पाँव में दर्द होता है जब ना जी, यही दवाई है, पीस के लगा देते थे। हाँ, झंझन 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 होता है, जब तक झंझनाहट होता है तब तक दर्द ठीक रहता है। अब लगाते हैं कि नहीं? झंझनाहट चला जाएगा फिर दर्द शुरू हो जाता है। अब भी लगाते हैं, लगाते हैं। हमने लिया हाथ में, अब इसको हमने लगाना है, बस ऐसे ही रहेगा। इसके पत्ते निकाल लिए और इसके जो कांटे हैं इसमें रहेंगे, इसके बाद इसको लगा लिया हाथ में। लेकिन जरा जोर से ना, ये तो ऐसे लगा, हम तो इसको ऐसे मैस भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो अगर आप करेंगे तो आप फिर हो जाएंगे। इसका सूप भी पिया था हम लोग ने सिक्किम में। अच्छा। हाँ जी, सूप पीते हैं इसका, रस बना के, रस निकाल के अपना रस भी पीते हैं। तैयार हो गया, इसमें कुछ डालेंगे अभी? हाँ, इसको मैं अभी बाहर निकालूंगा, इसको छान के लेके आऊंगा, उसके बाद इसको पूरा पानी निकाल के फिर इसको सिलबट्टे में करूंगा, पीसेंगे पीसेंगे फिर इसके बाद दोबारा। ये मडुए का आटा गूंद रहे हैं। हाँ, ये मडुए का आटा है। तो ये बना रहे हैं लेसुआ रोटी, जिसमें मडुए के आटे को गेहूं के आटे के अंदर में स्टफ किया जाता है, फिर रोल करते हैं, फिर तवे पे पकाएंगे, तो इसमें दोनों आटे का स्वाद आ जाएगा ना। तो अभी मैं इसमें जीरा डालूंगा, हाँ, लहसुन डालूंगा, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, तो हमारी थाली में ट्रेडिशनल कुमाऊनी खाना है, जिसमें हमारे पास लेसुआ रोटी है और ऊपर में आपने मक्खन लगाया है इसके, हाँ। साथ में ये बिच्छू साग है, बिच्छू की सब्जी, ये आपका कुमाऊनी राइस, ये मूली का थेचुआ, हाँ। गहत की दाल, हाँ। है ना, और यहाँ पे मंडुए की रोटी भी है, हाँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं लेसुआ रोटी से। ये मूली का थेचुआ है,
जो थेचुआ है अच्छा टेंगी साइड में, थोड़ा हल्का खट्टा टमाटर डाला है आपने, अच्छा हल्का खट्टापन है इसमें। तो इसका आलू का थेचुआ भी बनाते हैं सेम इसी तरह से। अब ट्राई करते हैं बिच्छू साग। कितने अच्छे से इसको पीसा है बिच्छू साग को, और एक जो अर्दी फ्लेवर होता है वो इसमें है, मतलब एक होता है ना मिट्टी की जो खुशबू होती है वो इस साग में है। हाँ बहुत बड़े बहुत बड़े। तो ये हमने ट्राई की गहत की दाल, उसको कुलथ भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको हॉर्स ग्राम बोला जाता है। ये पहाड़ी इलाकों में काफ़ी लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं और बहुत फायदेमंद होती है ना। ठंडी आ रही है सर, अब तो ये ऑलमोस्ट वीक में एक टाइम बनेगी। बने गर्मी में ना गर्म होता ना, अच्छा ठंडी में खाते हैं गहत की दाल। इसको रोटी के साथ भी खाते हैं, चावल के साथ भी खाते हैं, है ना। दाल बहुत अच्छी बनी है और इसको पचाने के लिए आपने खूब सारा इसमें लहसुन और अदरक भी डाला है, ये पचाने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि कितना सिंपल खाना है और कितने कम मसालों में बनाया गया और इतना स्वादिष्ट है। और एक तरह से आप जब खाते हैं इसको तो आपको ये लगता है कि आप एक अच्छा कुछ आपने खाया है, एक बॉडी को नॉरिशमेंट लगती है। और इतना टेस्टी खाना है, इतना रस्टिक फ्लेवर्स हैं सभी चीज़ें। मैं देखा था जब अम्मा खाना बना रही थी तो धनिया लाना है तो नीचे के धनिया को तोड़ के ले आए। वो सभी साग सब्जियाँ आपके आसपास से ही अवेलेबल है, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये आटे का हलवा है जो घी में बनाया गया है, बहुत बढ़िया। अरे बुआ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए और इतनी सारी हमसे जानकारी शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे तो हमने आपके साथ देसी खाना खाया, जैसा आप हमें बता रहे थे कि यहाँ पे अंग्रेज़ भी रहते हैं तो हमें देखना है कि अंग्रेज़ क्या खाते हैं और उनके कल्चर को भी समझना है। तो संजय जी हमें ले जाएंगे वहाँ पर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो चारूस कैफे। हाँ सर। हाँ नमस्कार। नमस्ते। तो मैंने बाहर पढ़ा लिखा हुआ था फर्स्ट कैफे बाई कुमाऊनी गर्ल। जी सर। तो आप कुमाऊं से ही हैं? जी मैं यहीं के माट गांव कसार देवी। हमें हिप्पीज मूवमेंट के बारे में बताएं, क्या है हिप्पीज मूवमेंट और उसका क्या लिंकेज है इस गांव से? सर जितना मैं समझ पाई, जितना मैं दादाजी लोगों के साथ बैठी तो मेरे हिसाब से जो यहाँ के लोकल लोग हैं कि हिप्पी का मतलब है कि कम चीज़ों में सर्वाइव करना और खुश रहना म्यूज़िक वगैरह करके, क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा होता नहीं था। तो वो यहीं से अडॉप्ट किया गया हिप्पी मूवमेंट मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे इतना कंफर्म नहीं है बट जितना मेरे को फील होता है कि जो एक कुमाऊँ के लोग पहले पैसा नहीं होता था, टेलीविजन नहीं होता था, म्यूज़िक आर्ट से अपने आप को शो करते थे, कम खाते थे और खुश रहते थे। पर आज की स्थितियाँ बहुत चेंज हो गई हैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि सेम कल्चर हिप्पी मूवमेंट के जो लोग आते हैं उनके अंदर देखा मैंने, तो कहीं ना कहीं वो लिंक है। तो मैंने कहा मे बी जब पुराने टाइम पे यहाँ पे आए होंगे शायद वो यहीं की लोगों का रहना सहना रहन सहन देख के उन्होंने वो स्टार्ट किया हिप्पी मूवमेंट। और वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे हर एक लोकल बंदे के साथ, म्यूज़िक उनका सीखना हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, म्यूज़िक आर्ट और आध्यात्म, बड़े बड़े रिचुअल्स, ये सब चीज़ों की बातें होती थी, मेडिटेशन इन चीज़ों की। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि बहुत कम मेडिटेशन करने लोग आते हैं पर उन्हें पता नहीं होता करते कैसे। हम हिप्पी को देखते हैं तो एक इंडिविजुअल सोल हो गया। हिप्पी को हम नोमैड भी बोलते हैं, हम उसको मतलब आवारा बंदा भी बोलते हैं, लाइक पहाड़ों में डोई बोलते हैं जिसको वॉन्डररी होता है।
तो उससे पता लगता है कि एक बंदा गायब होके कहीं पहुंचना चाहता है और उसमें एक हिप्पी कल्चर आता है. तो जब ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी ऐसी होती है और जब लोग ट्रैवल करना शुरू करते हैं स्पेशली यूरोप से, वो अपने अंदर की पहले से इंडिविजुअल कैपेसिटी लेकर आते हैं, फिर उसको फ्री फ्लो में छोड़ते हैं. और उसको फ्री फ्लो में छोड़ने के लिए मुझे लगता है लाइक सोलो ही ट्रैवल करना पड़ता है. और फिर ऑब्वियसली जब ऐसी जगह पर आओ तो फिर आप इमेंसिपेट कर सकते हो उसको. तो मतलब कल्चर मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गया हिप्पी का और उसका एक डेफिनेशन हम दे भी नहीं पाते. मगर अगर फोक आर्ट को देखा जाए जिसका एक्सप्रेशन हम समझ पाते हैं उसके हिसाब से, हाँ हिप्पी मूवमेंट लाइक एक्सेप्टेबल है. लाइक क्यों लोग आते हैं, क्यों हिप्पी कल्चर ऐसे बोलते हैं हम. और वो ये है कि एक फ्रीडम है एक्सप्रेशन में, बोलने में, और जैसे हम एग्जैक्टली उसको परफॉर्म कर पाते हैं. और वो इम्पॉर्टेंट है और जा बहुत टाइम से रहा है, मगर मुझे लगता है उसकी अहमियत अभी भी हम थोड़ी सी समझने की कोशिश कर रहे हैं. मगर हाँ यूरोप में ऐसे ही डेवलप हुआ था. इंडिया में एक थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेशन भी है इसका कि हिप्पी मतलब गंदा, गंदे इंसान, गंदे लोग, जो आवार लोग हैं, बदतमीज लोग हैं. पर मैं यही चेंज करती हूँ कि जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया कि हिप्पी मेरे हिसाब से एक हिप्पी का मतलब ये है कि कम चीज़ों में आप अच्छा सर्वाइव करो और सबको खुश रखो, किसी को तकलीफ ना दो. ये मेरा एक डेढ़ साल से मैं इस काम पे लगी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसमें लड़कियाँ काफ़ी जुड़ें. बैंड का नाम है वो हुक द बैंड और हम लोग यहीं से सब अलग अलग जगह से हैं सब उत्तराखंड से ही. कोई लोहा घाट, कोई रानी खेत, कोई हल्द्वानी. और छोटा मोटा स्टार्टअप कर रहे हैं, या जो भी आता है जो भी सीखा है उसी से अपना करते हैं आगे हुआ. और सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा करेंगे फ्यूचर में. और अभी बहुत कम मेम्बर्स हैं हमारे बैंड में. ये इसका नाम है सीजे, ये लिरिक्स लिखता है हमारे सॉन्ग के और ड्रम बजाता है उसके लिए. सीनू वैसे तो ये आर्टिस्ट है कलाकार. वैसे ऑलराउंडर है. Okay.
बहुत बढ़िया लिरिक्स आपने लिखी है दोनों बहुत अच्छा मतलब पूरे शहर को आपने डिस्क्राइब कर दिया हाँ पूरे शहर को आपने डिस्क्राइब कर दिया है सारे प्लेसेस बेस्ट प्लेसेस जो लोगों के लिए एक अच्छी जगह मतलब यादगार रही है आप लोग अपने बैंड को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं बहुत सर कोशिश करते हैं बस ये है कि हमने हम ये सोचते हैं जो हमारे वर्ड्स हैं ना कभी किसी एक एक ऐसे लोग को किसी को मतलब कि कभी एक जिंदगी में एक ऐसा वर्ड्स निकल जाए कि जो लोगों के दिलों में छा जाए या कोई एक गाना मतलब हमारे हमने कुछ गाने मतलब लिखे हैं लेकिन उनको अभी रिलीज करने का टाइम नहीं है तो लेकिन अगर जिस धीरे धीरे हो रहे हैं होंगे तो शायद लोगों के दिलों में भी बसे वो गाने तो अभी हम खाली अपने इंक्रीज में हैं अभी जितने अच्छे लिख सकते हैं उतना कर रहे हैं बस मेहनत कर रहे सर ऐसा अब जो भी हम कर सकते हैं जैसे हमारे पास इतने ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं यहाँ पे ना हमारे घर वाले बहुत पैसा वाले हैं तो हाँ क्योंकि गाने रिकॉर्ड करने का एक अच्छा माइक चाहिए के लिए लगभग समथिंग एक रिकॉर्डिंग का 10,000 लग ही जाता है किसी भी स्टूडियो में करवाते हैं तो उसको इकट्ठा करना फिर सबसे थोड़ा थोड़ा मांग मांग के गाने रिकॉर्ड करते फिर शूट के लिए अलग यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं ट्रैवलर्स तो एटलीस्ट वो छोटा छोटा इनका वीडियो बना के अपने लेवल पे करते रहे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और जल्दी आपका एल्बम रिलीज हो और जो आपने रानी खेत का गाना सुना है वो तो उसके लिरिक्स मुझे बहुत प्यारे लगे तो ये आपने रागी का केक बनाया है जी इसमें और क्या क्या डाला है मडवे का सर ये मडवा है मडवा एग और मिल्क और इसमें डार्क चॉकलेट है जिसमें मोस्टली लोग शुगर डालते हैं तो इसमें सॉल्ट एंड शुगर दोनों जो ज़्यादा आपको
बहुत स्वीटनेस ना दे, एक रॉयल टेस्ट रहे केक का, कोशिश करिए रागी एंड बनाना केक का। लखनऊ वेजिटेरियन बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मॉइस्ट। तो मटन वगैरह ऑर्डर पे बनाते हैं? हाँ, ऑर्डर पे ही बनता है। अच्छा, ऐसे तो कहाँ बनाते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बाबा तिलकनाथ। अच्छा, तभी इस कैफ़े का नाम बाबा कैफ़े पड़ा। हाँ, बाबा केक्स। हाँ, और ये केक्स बनाना कहाँ से सीखा आपने? एक केक बनाना जर्मनी। जर्मनी गए थे? हाँ, वहाँ मेरा ससुराल है ना। अच्छा, आपकी शादी जर्मनी में भी है? और कितने साल हो गए आपको कैफ़े को? कैफे को हो गए 10 साल। तो कितनी तरह के केक्स बनाते हैं आप? केक तो बहुत तरह के बनाते हैं, फ्रेंच वनीला हो गया, ब्राउनी हो गया, बनौती पाए हो गया, एप्पल क्रैम्बल हो गया, चॉकलेट क्रीम क्रैम्बल, लेमन केक, ये सभी बनाते हैं। अभी कौन सा अवेलेबल है आपके पास? अभी तो ब्राउनी है और एप्पल केक है। एप्पल केक, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू है आपके पास। ब्रेकफास्ट के अलग अलग कॉन्टिनेंटल हेल्दी फ्रेंच ब्रेकफास्ट भी है, साथ में सैंडविचेस हैं, फ्रेंच टोस्ट है, स्टार्टर्स है। अभी ये गरम मुंशियारी के राजमा बना रहे हैं, तो हम लोग राजमा चावल टेस्ट करते हैं। मुंशियारी के राजमा बहुत फेमस है, वो खाते हैं। और साथ में हमने ऑर्डर किया है एप्पल केक। एप्पल केक बहुत ही अच्छा मेन्यू है, इंटरेस्टिंग। देखिए ये बाबा केक, हिप्पी हिल कसार देवी अल्मोड़ा, और लव कुक्ड फूड एंड गुड वाइब्रेशंस। ये आ गया मुंशियारी के राजमा, साथ में चटनी धनिया पुदीने की। आई जायका लिया जाए, उसमें चटनी डालें। बहुत बढ़िया चटनी भी लाजवाब है। नाइस है, ब्राउनी भी आ गई, एप्पल केक भी आ गया। मैंने सबसे अच्छी एप्पल पाई खाई है वाराणसी में। कैसी है? अल्टीमेट मेन जो होता है उसका टेस्ट उसके क्रस्ट में। ये ब्राउन, अरे ये चीज तो ये थोड़ा उसका क्रस्ट और ट्राई किया जाए। ये एप्पल केक बहुत ही उम्दा है, इसमें सिनेमन का बहुत ही अच्छा जायका है, साथ में सॉफ्ट है, वार्म है, मॉइस्ट है, क्रम्बली है, बिल्कुल परफेक्ट एप्पल पाई जैसा होना चाहिए वैसा है। और सबसे अच्छी बात, जो भी जहाँ भी सबसे अच्छे मैंने एप्पल पाई खाए हैं, जो बनाने वाले हैं उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, उन लोग ने खुद से सेल्फ लर्न किया है। बाबा तिलोकनाथ जी, इनकी वाइफ जर्मनी से हैं और ये वहाँ जाते आते रहते हैं, वहाँ से इन्होंने बेकरी आइटम्स सीखा है और उसका जायका यहाँ के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो सर बहुत ही मज़ा आया, दोनों चीज़ें बहुत ही उम्दा थी, और आपने हमें इस गांव का, माल गांव का बहुत ही अच्छा दोनों पहलू दिखाया, एक देसी और एक विदेशी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी यहाँ विजिट करने। तो ये बन रहा है बिच्छू घास, बिच्छू साग या बिच्छू घास? बिच्छू साग। बिच्छू साग बाबा जी की बूटी। मटन खाएंगे? मटन खाएंगे? मटन
ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਚਿਕਨ ਵੀ ਤੋ ਹੈ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਆਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ ਆਪਕਾ ਸੁਭਨਾਮ ਕਿਆ ਹੁਆ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਭਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ